बच्चों, एक बार की बात है, भगवान गणेश के पास एक छोटी सी चुहिया थी जिसका नाम था मूशिका। मूशिका बहुत ही प्यारी और नटखट थी और वो हमेशा गणेश जी के आसपास ही रहती थी। गणेश जी भी मूशिका से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मूशिका बहुत उदास थी। वो अपने बिल के अंदर छिपी बैठी थी और बाहर नहीं आ रही थी। गणेश जी ने देखा कि उनकी प्यारी मूशिका आज खेल नहीं रही है। उन्होंने उसे आवाज दी, मूशिका मूशिका कहाँ हो तुम, आओ मेरे पास आओ। मूशिका धीरे धीरे बिल से बाहर आई और गणेश जी के पास आकर बोली, गणेश जी मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। गणेश जी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वे मूशिका के पास बैठे और उसे प्यार से सहलाया। फिर उन्होंने अपने हाथ को उसके सिर पर रखा और कहा, डरो मत मूशिका, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। गणेश जी ने मूशिका को आशीर्वाद दिया और उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। मूशिका ने गणेश जी को धन्यवाद कहा और खुशी खुशी अपने बिल के अंदर चली गई। कुछ दिनों बाद गणेश जी को एक बड़े काम के लिए लंबी यात्रा पर जाना था, पर उनकी सवारी बड़ी और भारी थी और वह जगह बहुत दूर थी। तब गणेश जी ने सोचा, क्यों ना मैं मूशिका को अपनी सवारी बनाऊं? वो छोटी है पर बहुत तेज दौड़ती है। गणेश जी ने मूशिका से कहा, मूशिका क्या तुम मेरी सवारी बनोगी? मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर यात्रा करना चाहता हूँ। मूशिका बहुत खुश हो गई और बोली, जी हाँ गणेश जी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। आप मेरे ऊपर बैठें और हम जल्दी से अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। गणेश जी मुस्कुराए और मूशिका के ऊपर बैठ गए। मूशिका ने अपनी छोटी छोटी टांगों से तेज दौड़ लगाई। वो भले ही छोटी थी पर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने पूरी ताकत से गणेश जी को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। गणेश जी ने मूशिका से कहा, मूशिका तुमने साबित कर दिया कि चाहे कोई कितना भी छोटा हो, अगर उसका दिल बड़ा है और वह वफादार हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी कर सकता है। मूशिका ने सिर हिलाया और खुश होकर कहा, धन्यवाद गणेश जी, मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे आकार और ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी मेहनत और निष्ठा होती है। और ऐसे ही गणेश जी और मूशिका खुशी खुशी रहने लगे। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।